Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चंद बरस में असासों में 91% इजाफा कैसे हुआ? एहतसाब अदालत में आमदनी से जायद असासों के रेफरेंस में हिसाबदार पर फर्दे जुर्म आयद। वजीर खजाना ने इल्जामात को गलत करार दे दिया। अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, असासे आमदनी से मुताबकत रखते हैं। समात 4 अक्टूबर तक मुलतवी, गवाहान तलब, हिसाबदार की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत का मरकजी दरवाजा वकला, मीडिया, मुलजिम और दीगर साइलीन पर बंद। इसाकदार को अपनी दरवाजे से अदालत ले जाया गया। वकला गेट फलांग कर अंदर दाखिल, सहाफियों को अदालत में दाखिल होने की इजाजत न मिली। मीडिया अदालत की बराए रास्त न सुन सका। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, गवाहों का ताल्लुक लाहौर से है, दो बैंक अफसरान को बतौर गवाह तलब किया गया है। हमारी कयादत और रहनुमा अदालतों का सामना कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि हम अदालतों का सामना कर रहे हैं, कानून का सामना कर रहे हैं, सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात नहीं कर रहे, बल्कि अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान तौहीन अदालत केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। 11 अक्टूबर तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला न किया तो अपना हुक्म जारी कर देंगे। अब ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान एक अफसोसनाक सियासी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान के लिए बचना मुमकिन नहीं, वो अफसोस सियासी अंजाम से दो चार होने वाले हैं। जितने ताखीरी हरबे थे वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 2018 के इंतखाबात से कबल तमाम वोटर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाए, इलेक्शन कमीशन की नादरा को हिदायत। NA 120 के जिम्मे इलेक्शन में 29,000 से ज्यादा वोटर्स का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड नहीं था। पाकिस्तान में मौजूद तमाम शिद्दत पसंदों और इन तमाम अनासिर का जरूरी है जो पाकिस्तान और इसके पड़ोसियों के लिए बोझ बन सकते हैं। ख्वाजा आसिफ दूमोर के बैरूनी मुतालबे से मुत्तफिक। BBC के मुताबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने ये बात एक सहाफी के सवाल के जवाब में कही। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्दों के गैर कानूनी कारोबार पर मुकदमा दर्ज, 5 रुकनी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। ड्रग इंस्पेक्टर भी शामिल तफ्तीश। गुज़िश्ता रोज नौशेरा में निजी मेडिकल सेंटर पर छापे के दौरान 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था। सरगोधा में काम में मसरूफ 6 मेहनत कशों पर मट्टी का तोधा गिर गया, 2 लाशें निकाली गयी, दीगर की तलाश जारी।